सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली है। नारे पैतनी सवा लख नारा है हरी। आज 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 तुहानू हदीस आका दी सुनाणी। फकर फकीर दे दर ते भी लिखे है, अल फकरो फखरी वल फकरो मिनी। फकर मेरा फखर है ते फकर मेरे विचों है। उन दसन वाली गल है वे फखर ओदे उत्ते कीता जांदा है जेड़ी अपने नालों भी आला चीज दिसे। फखर ओदे उत्ते कीता जांदा है जेड़ी अपने नालों भी आला दिसे। कायनात च फकीर भी पाक हुसैन तो वड्डा कोई नहीं, ते रसूल दा फखर भी हुसैन तो वड्डा कोई नहीं। अल फखरो मिनी, ते जे रसूल दे विचों भी है ते हुसैन ही, ते रसूल दे विचों भी है ते हुसैन ही। दस मुहर्रम दा दिन है, गुरु नानक सिखां दे मुर्शिद पेशवा जमीन ते बैठ के रो रहे। चेले आख्या गुरु जी तुसी भी रो रहे हो ते कायनात दे गुरु होके रो रहे हो। नानक साहब फरमाया मैं नहीं गुरु, आज मैं तेनू दसा गुरु कौन। नानक फरमाते ने जगत गुरु हुसैन है ऐसा गुर ना को। जगत गुरु हुसैन है ऐसा गुर ना को, ऐसी करनी कर गया जब याद करो तब रो। हमरे जैसे उसके दास हैं और कदमों की धूल, क्यों ना गुरु हुसैन के कदमों में रेख लो। क्या नानक साहब गुरु जी हुसैन तो मुसलियां दा पीर है ते तुसी क्यों रो रहे हो। नानक फरमाया जनवास है रसूल की शहादत का दिन मैं रो रहा। उन्हें कहा ना तुसी रसूल नो मनते हो, तुहाडा मजहब ही नहीं, ते हुसैन नु याद करके क्यों रो रहे। नानक फरमाया फिर इंज कर जा घर ते अपनी भैन नाल जाके निकाह कर ला। गुरु नानक फरमाया उस ज़मीर दा नाम हुसैन, उस ज़मीर दा नाम हुसैन ही। ते हाथ बन के कहंदे की ने ऐवें ते नहीं, ऐवें ते नहीं, हर पासे चर्चा हुसैन दा।
ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਛੜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਛੜੇ जरा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है सदा से आई ये सदा 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 हुसैन है जितने बाप कमाल है जितने बाप कमाल है सभी की सब मिसाल है बशर से ले बशीर तक बता मैं कितने नाम नो बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है हुसैन का कटा हुआ भी सरना तुमसे झुक सका अगर खुदा खुदी से है अगर खुदा खुदी से है तो फिर खुदा हुसैन है मेरे नहीं हर पासे चर्चा हुसैन का चर्चा हुसैन दा हुसैन बोले नरम कवाली जेड़ी है ना कवाली ओ साईयां दे प्रचार कवाली क्योंकि ना कामला नहीं उन्होंने प्रचार किया तो तौहीद दा कीता किसी ने नहीं आख्या मैनू रब आख या मैनू रसूल आख ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬੇ ਵਹੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਕਨੀਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ ਕੁਮਾ ਬਣਾ ਦੇ
हुसैन चाहे जिधर भी देखे जहाँ भी देखे जहाँ बना दे अगर हो हुसैन के दिल की मर्जी लोह पे लिखे को मात दे दे जिसे मोहम्मद ना एक बख्शे हुसैन चाहे तो साथ दे दे जिसे मोहम्मद ना एक बख्शे हुसैन चाहे तो साथ दे दे हुसैन ओ करीम कुरान सारा में पढ़ के दिखे फकीर दी गल दुनियादार दी गल नहीं फकीर नु पता है ना इत्थे मजहब दी गल है ना मसलक दी गल है फकीर नु पता है फकीर दे टूए ते आईए ना ते आखी दा या इल्ली मदद सिर्फ फकीर दे दर ते ते जे फकीर दे दर ते लंगर खाईए कि ए भी मलंगा दी सदा है केड़ी नजरे अल्लाह ते नियाजे हुसैन नजरे अल्लाह नियाजे हुसैन ते नियाजे हुसैन ते दसड़े वे नजरे अल्लाह ते नियाजे हुसैन दा राज किथे खुले है कदों खुले है किमे खुले है नियाजे हुसैन दा राज खुले है खुले तवज्जो खुले है हुसैन डॉक्टर अलामा इकबाल मर्दे कलंदर वो फरमाते ने अबलीस ने भी दस मुहर्रम नु जात नाल एक गल कीती है केड़ी
ਸੇਵੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੋ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੋ ਤੋ ਆਜ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖਾ ਹੈ तेरी खुदाई को तो आज गौर से देखा है। कहा मजलूम के नूरे अलम ऐसे होते हैं, कभी भी सजदा करने से इनकार ना करता मैं, अगर मुझे मालूम होता इंसान ऐसे होते हैं। क्या सानू आदम दे रौले च पाई रखिया, सातों असली खलीफा लुकाई रखे, सानू आदम का भुलेखा पाके ते जेड़ा तेरा मजहर है, मैनु ते आज तेरा खलीफा हुसैन लगा। ते जात ने भी जदों कुर्बानियां वेखियां ने, ते जात नु कहना पै गया मेरे हुसैन जिथे रूहां कठियां होईयां ने उथे मालिक दी जात ने लौ लाख दा ताज भेजिया। 1,24,000 नबी मुरसलीन मौजूद ने। निकलिया सदके जाइए मोहम्मद मुस्तफा दे सिर ते ताज किड्डा सोहना लग रहा है। उसे टाइम अल्लाह ने पैगाम खलिया, अल्लाह फरमाया लो लाख दा ताज सोना ते लग रहा है लेकिन एदा खर्चा बड़ा, एदा खर्चा बड़ा। सारे नबी खर्चे तो कन्ना नु हाथ ला गए ते मौला हुसैन ने रब नु आख्या खर्चा जाने ते मैं जाना ताज मेरे नाने नहीं सोना लगदा। तेरा
ਵਾਰੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਐਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਬੋਲ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਅਲੀ ਆਉਣ ਈਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦਰਜ਼ੀ ਖੋਲਣੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਲੈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਜਬਰੀਲ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਲ ਕੇ ਜੰਨਤ ਆਦਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਾ ਉਹ ਮਾਲਕੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਆਏ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੌਣ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬੇ ਜਬਰੀਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਿਆਤੁਲ ਹਸਨੈਨ ਮੈਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪਹਿਨੇ ਹਾਂ ਜਬਰੀਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਨੁਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਲਕ ਮੁਕਰਬ ਹੈ ਮੇਖੋ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਨੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਤੇ ਗੁਦੇਨੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
में पुनः